आपके पास क्या लिखा हुआ है वहाँ जानकारी में लिखा हुआ, और निश्चित रूप से उसका लीगल अगर क्लेम है, अगर लीगल पुष्टि चाहते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के पास फॉलोअप करके प्रयास करते हैं कि बच्चे आउट होकर के ना बैठे सर। लेकिन इनका दिल्ली में जंतर मंतर पे भी आंदोलन हो चुका है, उसके बाद आज यहाँ पे 36वां दिन है, उसके बाद भी आपको चीज़ें भी जानकारी होगी, लेकिन अभी आपकी भूमिका क्या रहेगी? अभी सब पूरी बात की मेरे पास आए थे उन्होंने कहा था, मैं उपचर पिंडल में आता हूँ, उनका एक पत्र भी प्रधानमंत्री जी ने लिखा हुआ है, मैं भी इसका फॉलोअप करता हूँ कि क्या कहाँ पे कितना कहाँ पे अड़चन आ रही है, सरकार की क्या अड़चन है, उनकी क्या अड़चन है, थोड़ा सा फॉलोअप करके होगा, निश्चित रूप से फॉलोअप करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। युवाओं से बात होने के बाद इनका कहना है कि इनकी बात आज के समय नितिन गडकरी साहब सुन सकते हैं, जो ऊपर तक बात पहुँचा सकते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी साहब तक बात पहुँचाने का आप माध्यम हो सकते हैं। इसके लिए आया हूँ कि गडकरी साहब होंगे, हमारे देश के गृहमंत्री जी होंगे, जहाँ पर इनका रुका हुआ है अगर वो लीगल है तो निश्चित रूप से उनके पास बात पहुँचाने का प्रयास करें। त्यांचं पूर्ण निवेदन माझ्याकडे आहे, त्यांनी सर्व मला सांगितलं, ज्यामध्ये अडचण काय आहे तपासून कधीपर्यंत होणार? मी उपचित पिंडाला भेट द्यायला आलो, फक्त तुमचं काय करतो पाच मेरा नाम प्रदीप पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश स्टेट से हूँ, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से, और हम लोग पिछले 1.5 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो कि अब हम लोग लास्ट स्टेट पे 36वां दिन हम लोग का आमरण उपोषण पे हम लोग यहाँ नागपुर पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने मुझसे यही कहा है कि मैं आप लोग के लिए पूरी प्रयास करूँगा, और मैं सरकार से इतना बता देना चाहता हूँ, सरकार से और माननीय नितिन गडकरी से मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर आया हूँ, और मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुन करके, क्योंकि अगर आप देखें तो सच्चे योद्धा यही है, क्योंकि ये अपनी जान की बलि देने के लिए भी तैयार होकर के भी आमरण उपोषण में बैठे हुए हैं। आज 36 डेज हो गए, तो हम आपसे इतना ही उम्मीद करना चाहेंगे इन युवाओं की, कोई इनके पास रास्ता नहीं बचा है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है, और हमें देश की सेवा करना है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ, जितने दिन तक आप कहेंगे उतने दिन तक हम सैलरी नहीं लेंगे, मुझे लेकिन देश की सेवा करने दिया जाए, क्योंकि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 1,11,000 सीट खाली है, और हमारी भी सीट 60,210 पोस्ट थी, उसमें भी हमारी 5,000 सीट खाली है। हम इतना ही आपसे उम्मीद करना चाहेंगे कि इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये युवा आपके ही देश की सेवा, अपने देश की सेवा करने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं, तो इन युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, हम यही आपसे उम्मीद करना चाहते हैं। ये बावनकुड़े साहब आपके पास विजिट देने के लिए आए हैं, तो आपने उनके साथ क्या प्रश्न रखे हैं और उन्होंने आपके प्रश्न का क्या जवाब दिया, आप उसके बारे में समझते हैं? पहले तो हम बावनकुड़े साहब को एक घर में गए तो हमारा निवेदन दिया, उसके बाद इन्होंने बोला था कि मैं आपको पेंडर में भेज दूँगा, तो वो आ जा रहे हैं, हमने उनको हमारे जो एक साथ से हम जो लड़ाई कर रहे हैं हमारे पदों के लिए कि हमें जॉइन मिल गया, उसके बारे में हमने बोल दिया, हमको पता है कि हमने हमारी हमसे जितनी कोशिशें होती थी वो सारी कोशिशें कर ली है, यहाँ तक कि HMO PMO को भी हमने लेटर दिया है, भारत के हर सांसद के पास हमने लेटर दिया है, और अभी भी हमारी जो आवाज़ थी वो 3 बार संसद में उठी है, या आखिरी 28 तारीख को बालूभाव धानोरकर उन्होंने भी संसद में हमारी आवाज़ उठाई थी कि ये बच्चे आमरण उपोषण पे आकर बैठे हैं, तो हम इनसे सर से यही अभी बातचीत हुई थी, सर बोले कि मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा, नितिन गडकरी साहब से बात करूँगा और आपको न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। आपको उम्मीद है कि बावनकुड़े साहब आपको न्याय देंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि सर से एक बार मिलने के बाद सर तुरंत हमारी दखल लेने यहाँ पे आए, अभी तक तो जितने भी सांसद हैं उनको हमने बहुत सारे लेटर दिए, उनको रिक्वेस्ट की कि सर एक बार हमको मिलने के लिए आ जाओ, लेकिन सर से हमने सिर्फ एक बार मिले तो सर तुरंत हमारे हलचल लेने यहाँ पे आ गए, तो सर से यही आशा करते हैं कि सर हमारी मांग जरूर पूरी करेंगे और हमको न्याय मिलेगा।